अब इसी तरह से शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार में क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, शूटिंग स्टार में मार्केट का ट्रेंड अप होता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है, ऊपर की साइड में जाएगा, ऐसे मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है और यहाँ पे जाके आपको शूटिंग स्टार कैंडल बन जाएंगे। ये शूटिंग स्टार ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इस तरह की कैंडल, यानी यही कैंडल यहाँ पे ऊपर की साइड में बन गई तो ये हो गई शूटिंग स्टार। छोटी है तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। अगर यही शूटिंग स्टार बड़ी है, मान लीजिए इस साइड इस तरह की कैंडल है, तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे सेल कर देंगे। ये ध्यान रखना, ये शूटिंग स्टार अगर छोटी बनी है तो पहला टारगेट जो होता है वो 2 टाइम का होता है। अगर ये बड़ी बनी है तो 1:1 का ही आपको टारगेट रख के चलना पड़ेगा, अगर ज़्यादा बड़ी है तो, ठीक है, और छोटी है तो 2 टाइम का टारगेट रखना है। यानी अगर आपका SL और एंट्री पॉइंट के बीच की जो जगह है उसमें अगर 5 रुपये का है तो टारगेट 10 रुपये का है, इसमें SL और एंट्री पॉइंट के 5 रुपये 10 रुपये है तो पहला टारगेट भी आपको 10 का ही यहाँ पे लगा के रखना पड़ेगा। क्लियर है? बैंक निफ्टी हमेशा 100 से 120 पॉइंट के मूवमेंट के बाद ही फॉलो करना है, निफ्टी 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट हो जाए तो फॉलो करना है ट्रेंड, तभी समझेंगे कि 8 कैंडल भी बन गई है और यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट भी हो गई है। मान लीजिए कैंडल तो 8 बन गई है लेकिन ये पूरा मूवमेंट 60 पॉइंट का हुआ निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, तो इसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे फिर, क्योंकि ऊपर गए ही नहीं है तो रिवर्स होने के चांसेस भी कम होंगे। जब ये 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल जाता है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि शायद ये वापस रिवर्स कर सकता है अगर ये कैंडल बनती है तब, ठीक है, तो इन कैंडलों को आपको फॉलो करना है। इसी तरह की एक तीसरी कैंडल यहाँ पे ऊपर की साइड में बनेगी, उसको हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी कैसी बनेगी, सेम जैसे शूटिंग स्टार बनी है उसी तरह की बनेगी, लेकिन क्या होगा उसका जो व्यू होगा वो देखने में आपको इस तरह से दिखेगी, इस तरह से ये बनेगी शूटिंग ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। तो ग्रेवस्टोन डोजी को हम ट्रेड करते हैं, इसी कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करेंगे, टारगेट 2 टाइम का रखेंगे बस, बाकी कैंडल में सब कुछ सेम है, बस टारगेट का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर छोटी, ये भी 2 तरह की बनेगी, छोटी और बड़ी दोनों बनती है ये भी, तो अगर ये छोटी बनती है तो टारगेट 2 टाइम का होता है, बड़ी बनेगी तो 1:1 का ही टारगेट पहला रख के चलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारी कैंडल स्टिक थी, ये 4 मेरी फेवरेट है, हैमर बाइंग साइड के लिए, हैमर और ड्रैगन फ्लाई सेम कंडीशन बनती है, सेल साइड के लिए शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी। ये 4 कैंडल मैं छोड़ता नहीं हूँ, भले 20 क्वांटिटी ट्रेड करूँ, 50 ट्रेड करूँ, 100 ट्रेड करूँ, 200 ट्रेड करूँ, लेकिन जब वो मोमेंटम के हिसाब से, मान लीजिए अगर मुझे, मैं बैठा हूँ सुबह से मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला और पहला ट्रेड मुझे मिल रहा है तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी मार दूंगा, लेकिन अगर मैं पहले प्रॉफिट बना चुका हूँ, मान लीजिए मैं 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का प्रॉफिट बना चुका हूँ, तो हमेशा क्वांटिटी में कम ट्रेड करता हूँ, फिर कम क्वांटिटी के साथ में इसे ट्रेड करूँगा। लेकिन पहला मान लीजिए 1.5-2 घंटे हो गए मुझे कहीं पर कोई ट्रेड नहीं मिला, मार्केट 1 वे निकलते हुए चला जा रहा है और यहाँ पे जाकर ये शूटिंग स्टार कैंडल इसने बना दिया, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी मार दूंगा, फिर मुझे 5,000 प्ले करना है तो मैं 5,000 क्वांटिटी फिर यहाँ पे मार दूंगा, फिर मुझे डर नहीं लगता है, मेरा पैटर्न बनता है तो मैं डरता नहीं हूँ। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, SL लेगा, बस इतना ध्यान रखना कि क्वांटिटी उतनी ट्रेड करूँ जिससे आपको डर ना लगे। ऐसा नहीं आपके पास कैपिटल है 20,000, आप पूरे के पूरे 20,000 लगा दोगे तो आपको हमेशा डर लगेगा, क्योंकि बहुत कम भी SL बनेगा ऑप्शन का, अगर ऑप्शन ट्रेड करो तो कम से कम 10-12% का तो हो ही जाएगा, इससे कम का तो बनेगा नहीं। अगर आप स्टॉक ट्रेड करें तो कोई बात ही नहीं, 1-1.5% का आपको बना, बहुत ज़्यादा बनेगा तो 1% का बनेगा, 1.5% का बनेगा, 1.25% का बनेगा, कैपिटल खत्म नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन में अगर आप हार नहीं मानते हो, मान लो इसके निकलने के बाद, SL होने के बाद में भी आप नहीं जाते हो तो मार्केट आपको डुबा देगा, खत्म कर देगा। जैसे आज किसी ने ट्रेड किया हो, किसी ने ये ट्रेड किया हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और बैठे रहूंगा मैं देखूंगा शाम तक, तो उसका 0 हो गया। इसीलिए अगर ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो पोजीशन को कट करना आना चाहिए आपको, लॉस लेके फटाक से भागो, यहाँ पे बड़े लॉस लेके मत जाओ ऑप्शन में, ऑप्शन में बैठ के इंतजार मत करो कि मार्केट रिवर्स होगा और मेरा आएगा। मान लो एक्सपायरी वाले दिन है सुबह, मार्केट मान लो 40,000 का आपने कॉल ले लिया, मान लो आपने 40,000 का कॉल ले लिया, मार्केट गया यहाँ पे 39,500 तक गया और यहाँ से रिवर्स भी आ गया, 800 तक आ गया, 39,800 आ गया, 300 रिवर्स भी आया, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका खत्म हो चुका है, यहाँ पे आपका गेम खत्म हो चुका है। ये 39 जो आपने प्रीमियम सुबह लिया था, अगर ये 40,000 पर भी मार्केट आ जाएगा शाम को 2:30 बजे ना, तो भी आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा, आपका गेम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ता है, जो भी 40-50-60 पॉइंट का आपका ऐसे लो, कट करो और भागो यहाँ से, दूसरा ट्रेड आपको मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे, पैसा रहेगा तभी तो ट्रेड करोगे, पैसा रहेगा नहीं तो क्या ट्रेड करोगे। तो इन 4 कैंडल स्टिक को आपको फॉलो करना है, अगर आपको 4 फेवरेट, मैंने 8 कैंडल स्टिक आप लोग को बताई, ये 4 मेरी बिल्कुल फेवरेट है, हैमर ड्रैगन फ्लाई और हैमर एक जैसा ही ट्रेड करते हैं, उसी तरह से शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी एक जैसा ट्रेड करते हैं, ठीक है। दिखने में ये 4 कैंडल है लेकिन हो जाती हैं 6 कैंडल, क्योंकि सॉरी हो जाती है 8 कैंडल, क्योंकि इसमें एक बड़ी हैमर बन जाती है, जो बड़ी हैमर बनती है तो थोड़ा सा देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जब कंटिन्यू ट्रेड लोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें क्वांटिटी रहेगी तो मैं क्वांटिटी में ज़्यादा मार दूंगा, इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी कम मारूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ये 100 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका होगा नीचे से, ये क्या होगा 40-50 पॉइंट की रहेगी, असल में 40-50 पॉइंट के अंदर में रहेगा, अगर ये 100 पॉइंट भी निकल गया तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये 4 कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल हैं जिनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, जब भी बनेगा मैं ट्रेड करूँगा ही करूँगा, पहले 100 क्वांटिटी ट्रेड करूँ लेकिन ट्रेड करूँगा ही करूँगा, छोड़ता नहीं, जितने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है ना, ये ध्यान रखना। ट्रेड करने का मतलब ये नहीं हो गया कि अगर 2 लॉस हो गया उसके बाद बन रही तो नहीं करूँगा, मैं प्रॉफिट में हूँ करता रहूँगा। आप कंटिन्यू जैसे देखते हो, मैं 7 ट्रेड 8 ट्रेड 9 ट्रेड लेता हूँ, वो ट्रेड तब तक चलता है जब तक मैं प्रॉफिट में हूँ, 1-2 लॉस हो गया बंद कर दूँगा फिर वहाँ पे, फिर कैसा भी पैटर्न बनने दो, सबसे बेस्ट पैटर्न बनने दो, तो भी मैं एंट्री नहीं लूँगा फिर जल्दी में, ठीक है।